चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। आप सब साथियों और सज्जनों का यहाँ स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और खुशी इसलिए भी है कि हम आज ऐसे विषय पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। प्राणी मात्र अपने विचारों और अपनी भावनाओं को अपने साथियों तक, अन्य प्राणियों तक पहुँचाना चाहता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वाणी का विकास किया है, उसे भाषा का वाहन दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा समाज के कामकाज और व्यवहार का साधन मात्र है। यह प्रश्न मैंने यहाँ इसलिए उठाया है कि यदि बुनियादी बात, यह आधार तथ्य हमारी समझ में आ गए कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन मात्र है, व्यवहार की आसानी का एक वाहन मात्र है, तो हमारी काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी, मानसिक तनाव और भेदभाव दूर हो जाएंगे, कटुता जाती रहेगी। मैं इन प्रश्नों में विस्तार पूर्वक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप सब विद्वान और अनुभवी लोग हैं। भाषा संबंधी विषय का आप में से अधिकांश ऐसे हैं जो काफ़ी अधिकार पूर्वक ज्ञान रखते हैं। यदि हम आज़ादी के पूर्व का इतिहास देखें कि पाएंगे कि भाषा इस सारे विशाल देश की जनता के बीच मतभेद का माध्यम कभी नहीं बनी। तमिलनाडु के तीर्थयात्री बद्री नारायण जाते हुए रास्ते भर जैसी बन पड़ती थी, वैसी टूटी फूटी हिंदी बोलकर अथवा रास्ते में टूटी फूटी प्रांतीय भाषा बोलकर अपना काम चलाते हैं। और इसी प्रकार द्वारकाधीश की यात्रा करने वाले बंगाली अथवा रामेश्वरम की यात्रा करने वाले कश्मीरी भी बोलचाल की टूटी फूटी हिंदी बोलकर अपना काम चलाते हैं। भाषा के प्रश्न को लेकर कभी किसी ने सारे देश भर में आते जाते हुए इन तीर्थयात्रियों को, पंडे और पुजारियों को, व्यापारी और व्यवसायियों को लड़ते झगड़ते ना सुना है ना देखा है। हमारे देश में निर्धनता के कई कारण हैं। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि इसका एक सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के जीवन निर्वहन हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता होती है। ऐसा ना होने पर बेरोजगारी में वृद्धि के फलस्वरूप निर्धनता की स्थिति में भी वृद्धि होती है। भारत में व्यावहारिक के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा की डिग्री तो होती है, परंतु ना तो वह किसी कार्य में दक्ष हो पाता है और ना ही अपना कोई निजी व्यवसाय शुरू करने का इच्छुक ही होता है। इस तरह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण भी लोग अपनी आजीविका नहीं चला पाते और निर्धनता की स्थिति में जीने को विवश होते हैं। यह तो जानी मानी हुई बात है।
किसी भी प्रजातंत्र में देश का शासन देश की जनता का शासन होता है, जनता द्वारा होता है, जनता के लिए होता है। इसलिए जनता द्वारा चुनी हुई कोई भी सरकार जनता से यह नहीं कह सकती कि हम आपसे आपकी भाषा में बात नहीं करेंगे। देश में सामान्य तौर से समझी जाने वाली भाषा में बात नहीं करेंगे, वरन एक विदेशी भाषा में बात करेंगे, जो मुश्किल से देश में 2 या 3% लोगों की समझ में आती है और उन 2 या 3% व्यक्तियों का ज्ञान भी धीरे धीरे अधूरा बनता जा रहा है। प्रत्येक देश के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए अपना झंडा और अपनी भाषा गर्व और गौरव का विषय होते हैं। इन्हीं दोनों माध्यमों से देश का प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ भाईचारे और बंधुत्व की भावना महसूस करता है। इसलिए 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी संसद के माध्यम से यह बात याद दिलानी पड़ी कि हम सब इस देश के नागरिक स्वेच्छा से इस बात के लिए वचनबद्ध हुए हैं कि इस देश की राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी हो और सरकारी कार्यालयों में उसके व्यवहार की व्यवस्था करने के लिए हमने आज से 15 वर्ष पूर्व राजभाषा अधिनियम बनाया। यह अधिनियम हमारा ही बनाया हुआ है और उसका पालन करने के लिए हम बाध्य हैं। मोटे तौर से हम देखें तो पाएंगे कि जनसाधारण के बीच तो हिंदी सारे देश भर में संपर्क भाषा बनी हुई है और जिन छोटे मोटे इलाकों में वह पहुंची नहीं है वहां पर वह धीरे धीरे पहुंच रही है। जो छोटा मोटा तबका अंग्रेजी जानता था अथवा जानता है वह भी धीरे धीरे उसे भूलता जा रहा है अथवा उतनी सही तौर से नहीं सीख पा रहा है और इसलिए स्वाभाविक ढंग से दक्षिण भारत के राज्यों में भी हिंदी सीखने का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो चला है। जब मैं यह जिक्र करता हूँ तो मेरे सामने जिस राज्य से मैं आता हूँ पंजाब का ख्याल आ जाता है। पंजाब किसी वक्त एक बहुत बड़ा विशाल पंजाब था। राजनैतिक उलझने आईं और देश के विभाजन के कारण इसके 2 भाग हो गए। पाकिस्तान बनने से एक वेस्ट पंजाब हो गया और एक ईस्ट पंजाब हो गया। फिर ईस्ट पंजाब के भी हिस्से बन गए। पंजाब अब एक छोटा सा पंजाब रह गया है, किंतु फिर भी अनाज पैदा करने से इस छोटे से पंजाब में इतनी कोशिश की गई है कि सरकार इस बात को मानती है कि पंजाब ने अनाज के मामले में सारे देश की सहायता की है और उन्होंने सारे देश को अनाज पहुंचाया है। विराम।